सारे शहर की हाक छान लेने के बाद आकिब घर आ गया। भाई कोई काम मिला? उसकी बहन उसे पानी का गिलास पकड़ाते पूछने लगी। नहीं, कोई काम नहीं मिला, वो मायूसी से बोला। भाई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कल के बचे हुए थोड़े से चावल थे जो मैंने मामा को खिला के दवाई दे दी है। अब घर में राशन नहीं है, आप किसी से उधार लेके कुछ खाने पीने का सामान ले आए। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। आकिब सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज भी कहीं नौकरी ना मिली थी और उधार किससे लेता? पिछले 2 माह से वो उधार लेके ही तो घर चला रहा था। अभी तो वो सब अपने उधार दिए पैसे वापस मांग रहे थे, उस पे नया उधार कौन देगा? आकिब का बाप एक बैंक में क्लर्क था। बैंक वालों ने गोल्डन हैंडशेक के तहत चंद लाख रुपए देकर उसको बैंक से फारिग कर दिया। उसके बाप ने वो पैसा कारोबार में लगाया। 1 माह के अंदर कारोबार फ्लॉप हो गया और उसका सारा पैसा डूब गया। इस नाकामी का गम उसका बाप बर्दाश्त न कर सका और एक रात हार्ट फेल हो जाने से चल बसा। और माँ इसी सदमे से फालज के हमले का शिकार हो गई। अब माँ और बहन की जिम्मेदारी आकिब पे थी, इसलिए वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ के नौकरी ढूंढने लगा। वो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता, उसकी अधूरी तालीम की वजह से उसे कोई भी नौकरी ना मिलती और कभी कभी तो उसे किसी दफ्तर के ओनर से मिलने के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता और आखिर में उसे ये कह कर चलता कर दिया जाता कि फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। आज भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। भूख से उसका बुरा हाल था। पिछले 2 दिन से उसने कुछ खाया ना था। उसकी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी और पेट में भूख की वजह से दर्द से टीसे उठ रही थी। न जाने कब तक वो यूं ही आवारा गर्दी करता रहा। घर जाने की हिम्मत ना थी। 2 दिन से माँ और बहन भूखी थी। घर में राशन का एक दाना ना था। उधार देने वालों से वो मुहलत पे मुहलत मांग रहा था। वो अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता था, तो क्या फायदा इस वजूद का? वो चलते चलते एक पुल पर पहुंच गया। पुल के नीचे गहरा ठाठे मारता पानी था। वो चखते हुए भी अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुदकुशी का इरादा कर लिया और पुल से पानी में कूद गया। खुद को पानी के हवाले करने के थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो एक शख्स उसके पास बैठा उसे फर्स्ट एड दे रहा था। कौन हो तुम और मुझे क्यों बचाया? खुदकुशी का प्रोग्राम था। जी हाँ, मगर आपने क्यों बचाया? तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें बरवक्त ना बचाता तो इस वक्त तुम कई फीट गहरे पानी में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं खुदकुशी कर रहा था अपनी मर्जी से। चलो उठो, बाकी बातें गाड़ी में बैठकर करते हैं। तुम्हारी हालत बता रही है कि खुदकुशी की वजह तुम्हारी गुर्बत है। जी बिल्कुल, यही बात है। खुदकुशी हल तो नहीं, वक्त और हालात को बदला भी जा सकता है। 2 माह से यही कर रहा हूँ, पर अब मैं हार गया हूँ, खुद से, वक्त से, इसीलिए मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। कितने दिन से खाना नहीं खाया तुमने? आज 3रा दिन है। तुम मगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। इससे तुम अपनी किस्मत और वक्त दोनों को बदल सकते हो। 50 लाख? हाँ 50 लाख। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदकुशी से ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर तुम ये कर सकते हो तो वो भी कर लोगे। मुझे क्या करना होगा?
ये मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगा। तब तक तुम अच्छी तरह सोच लो। हो सकता है ये काम करने के बाद तुम पकड़े जाओ और तुम्हें 10 से 12 साल की जेल भी हो। अब फैसला तुम्हारा है। ये लो 10,000, अपने खाने पीने के लिए कुछ ले लो, और ये मेरा नंबर। 2 दिन बाद अगर तुम रेडी हुए तो मुझे कॉल करना, मिलने के लिए वक्त और जगह बता दूंगा, बाकी मामला तय कर लेंगे। आकिब खाने पीने का बहुत सा सामान लेके आया। उसकी माँ और बहन बहुत खुश थी। आज कितने दिनों बाद उन्होंने पेट भर के खाना खाया। उन्हें खुश देख के आकिब बहुत मुतमइन था। रात सोने के लिए लेटते हुए आकिब फैसला कर चुका था कि वो उस अजनबी की ऑफर कबूल कर लेगा। जेल तो क्या, अगर इस काम में उसकी जान भी चली जाती तो भी उसे मंजूर था। 50 लाख में उसकी माँ और बहन उसके जाने के बाद आराम से जिंदगी गुजार सकती थी।